दोस्तों, कन्या उत्थान जिसमें 50,000 रुपये या 25,000 की राशि मिलने की जो बात कही गई है, इसी वीडियो के रिलेटेड मैं आज एक नया आया हूँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2019-2020 में फॉर्म भरा था, लेकिन उनको जो है 25,000 रुपये नहीं दिए गए थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं है उन्हें ये भी नहीं पता है। तो वो स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे, उनमें से सभी स्टूडेंट का नाम हम लिस्ट में जो है कैसे चेक करेंगे, 19 वाले का और 20 वाले का, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल टेक विथ बिट्टू पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मैं बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि यहाँ जो है मेधासॉफ्ट यानी कि ई लाभार्थी की इस नए वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे सिंपली आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। चलिए, जैसे कि मैंने ये वेबसाइट खोल लिया है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019 या 20 के लिए आवेदन करें, यहाँ जो लिंक दिया गया है। तो इसमें जो है जो 2019 वाले जो अप्लाई किए थे या फिर नहीं किए थे, और जो 2000 जो अभी 22 में अप्लाई करेंगे 21 में, उन सभी का लिंक यहीं से काम करने वाला है। जैसे अगर 2019 में आप अप्लाई किए थे या 20 में अप्लाई किए थे या फिर आप ऑनलाइन करना ही भूल गए थे, है ना, तो उसके रिगार्डिंग मैं इसमें सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है 3 लिंक दिख रहे हैं। यहाँ पे पहला है फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक और 1-2, दोनों में से किसी एक लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको, जैसा कि हमारा ये वेबसाइट खुल चुका है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, यहाँ जो स्नातक पास का जो है, यहाँ आपको पहले लिस्ट में नाम चेक करना है, क्या स्टेटस चेक करना, अगर आपने फॉर्म भरा है तो इसके लिए पहले आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे बगल में दिखता है क्लिक हेयर टू व्यू, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट का ये पेज खुल चुका है। ये जो पेज है आपका 2019 में जितने भी स्टूडेंट भरे थे या फिर 2020 में स्टूडेंट भरे थे फॉर्म, उन्हीं के लिए ये लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे सर्च बार के बगल में यहाँ पर सिलेक्ट वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख जाती है, पहला है आधार नंबर और दूसरा है अकाउंट नंबर। तो चलिए हम आधार नंबर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर लेने के बाद जो है यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे बगल में 3 ऑप्शन दिखते हैं, सर्च का, रिसेट का और बैक का। तो आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम दिख जाता है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन पास किए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम दिख जाएगा, उसके नीचे आपका कॉलेज का नाम भी यहाँ दिख जाता है। इसके बाद जो स्टूडेंट नेम और फादर नेम यानी कैंडिडेट यानी आपका नाम और आपके पिता का नाम यहाँ पर दिख जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है चांदनी कुमारी और पिता का नाम है नवल किशोर प्रसाद, इस तरह से आपका नाम दिख जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी दिख जाता है और जेंडर दिख जाता है, जैसे कैटेगरी यहाँ पे बीसी दिया गया है और जेंडर में यहाँ फीमेल दिया गया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फाइनलाइज का डेट यहाँ दिया गया है कि कब यह फॉर्म भरा गया था, यहाँ जो फाइनलाइज में देख रहे हैं यहाँ पर यह इस फॉर्म को फाइनल नहीं किया गया था, लेकिन अप्लाई किया गया था 24/7/2019 को 3:26 पर, इस फॉर्म को फाइनलाइज नहीं किया गया था जिसके कारण इस फॉर्म को जो है यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर किसी भी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सिंपली मैं आपको क्या करता हूँ, फिर से इसी वेबसाइट पे बैक होकर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट पर फिर से आ गया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम आते हैं तो ये जो वेबसाइट पे जब भी अभी ऑनलाइन का लिंक अब दोबारा चालू नहीं किया गया है, जैसे आपका ऑनलाइन का अप्लाई किया जाएगा स्टार्ट होगा तब आपको क्या करना है, फॉर्म को फिर से फिलअप कर लेना है। तो आपको जो है 25,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आया था अप्रैल 2021 के पहले आया था, इसलिए जो है आपको जो है 25,000 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन आपको फॉर्म को भर लेना है।
अब चाहते हैं कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था तो उनका लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो वो कैसे आप चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको लिस्ट में नाम चेक करना बता रहा हूँ जो स्टूडेंट 2019 में या 20 में पास किए थे, यानी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो चेक करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, और इसके बगल में क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक कर देना है। ऐसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ये पेज खुलता है, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। पहला आपको यूनिवर्सिटी का नाम दिखता है और दूसरा स्टूडेंट का नाम। यहाँ दिया गया इंटर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर ऑफ योर नेम, यानी अपने नाम का जो है कम से कम आपको 3 अक्षर ही यहाँ पे आपको डालना है। चलिए हम यहाँ से बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है अपना नाम का जो है कोई भी 3 अक्षर डाल सकते हैं, मिनिमम आपको 3 अक्षर डालना है। इसके बाद पूरा नाम भी आप डाल सकते हैं, तो चलिए मिनिमम मैं 3 अक्षर ही ले लेता हूँ। इसके बाद क्या करते हैं, व्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप व्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंदर में जितने भी कॉलेज है उस कॉलेज में जो इस नाम से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे, वो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे दिख जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का नाम आपको दिख जाएगा, किसी किसी कॉलेज में एक दो स्टूडेंट का होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है ब्लैंक है, डेट ऑफ बर्थ किसी का शो नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि पहले जो आधार से वेरिफिकेशन नहीं किया जाता इसके लिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको सारा जेंडर जो है फीमेल ही दिखेगा, क्योंकि जो कन्या उत्थान की राशि ग्रेजुएशन में सिर्फ लड़कियों को ही मिलता है। इसके बाद यहाँ पे जो है सारे स्टूडेंट का आधार का लास्ट का 3 डिजिट शो कर जाता है, तो आपको लास्ट का 3 डिजिट और आपको अपना नाम चेक कर लेना है। अगर इस लिस्ट में नाम होगा और आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट तब तक के लिए करना है जब तक के लिए फिर से ये ऑनलाइन स्टार्ट नहीं होता है। जैसे ऑनलाइन स्टार्ट होता है तो आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। जब भी फॉर्म का डेट यानी फॉर्म अप्लाई का लिंक स्टार्ट होता है तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना कर मैं उसमें समझाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से इस वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर चले आता हूँ। जैसे मैं यहाँ फर्स्ट पेज पे आ गया हूँ तो ये आपको सिंपली इसी दोनों में से किसी लिंक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपडेट में मिल जाएगा 2018 से 21 20 सब सेशन यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा कि लिए आवेदन करें। तो चलिए मैं किसी एक लिंक पे क्लिक करता हूँ। लिंक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, इसके बगल में कृपया यहाँ क्लिक करें। सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु प्रमुख निर्देश दिया गया है। पहला दिया गया है फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, तो पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे इस पर देख माउस मैं ला रहा हूँ, देख रहे ना, यहाँ माउस मैं ला रहा हूँ तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन इज क्लोज प्लीज़ वेट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो अप्लाई का जो लिंक है पहले जो अप्लाई हो रहा था उसको बंद कर दिया गया है। जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है उसके लिए आपको वेट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना है। तो चलिए ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।